नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हो नाले दर्पण चैनल और इस वीडियो के साथ मैं हूं बीरेन कुमार। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको आपसे बात करेंगे जियो के एक न्यू अपडेट के बारे में। तो दोस्तों कल दिनांक 10/10/2019 को यानी 10 अक्टूबर 2019 को जियो ने एक नया अपडेट दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब तक आप क्या करते थे कि जैसे कोई भी रिचार्ज कराते थे, एक महीने मंथली पैक या दो महीने का पैक जो आप रिचार्ज कराते थे, जैसे आप 149 149 का जियो का रिचार्ज कराते थे तो आपको क्या मिलता था कि आपको जो नेट पैक मिलता था वो तो मिलता ही था, उसके साथ साथ आपको किसी भी नेटवर्क पर लोकल या नेशनल कॉल जो है आप फ्री में कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप जियो से जियो पर आपको जो डेटा मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको जो आप जियो से जियो नंबर पर बात करेंगे वो भी बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन आप जियो से किसी अदर नेटवर्क पर कॉल करेंगे जैसे एयरटेल वोडा आइडिया पर कॉल करेंगे तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। और वो चार्ज आपको कैसे देना पड़ेगा, 6 पैसे प्रति मिनट के दर से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये IUC चार्ज होगा, इंटरकनेक्ट यूजर चार्ज जो होता है ये आपको देना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों ट्राई ने क्या कहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि इस जो ये चार्ज है ट्राई जियो के ऊपर जो ये चार्ज लगाया था, ये चार्ज जो है जियो ने खुद से जो है भर रहा था अब तक जियो, तो ट्राई ने कहा था कि इसे कुछ समय बाद इसे हटा देंगे। तो जियो ने सोचा कि जब हटा देंगे तो कुछ दिन हम इसका चार्ज खुद भर देंगे, लेकिन अब ट्राई ने क्या किया कि इसे मना कर दिया कि जो है वो जो है इस चार्ज को हटाएंगे नहीं। तो जब इस चार्ज को नहीं हटाएंगे तो जियो ने कहा कि इस चार्ज को हम खुद आप तक कितने दिन तक भरेंगे, अब इसे कस्टमर को खुद भरना होगा। दोस्तों जैसे आप मान लीजिए कोई रिचार्ज कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर चलिए जैसे 149 रुपये का जो रिचार्ज आता था, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि जो 149 का रिचार्ज आता था अब वह 159 का रिचार्ज आने लगा है। इसका कारण क्या है तो आप पहले यहाँ देख लीजिए, अगर आप 159 रुपये का रिचार्ज कराते हैं जियो में तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो डेटा है 1.5 यानी 1.5 GB रोज़ मिलेगा और 28 दिन तक ये मिलता रहेगा, और 100 SMS पर डे मिलता है और मिलता रहेगा। उसके बाद आप जियो से जियो नंबर पर कॉल भी बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे, लेकिन आप जियो से अदर नेटवर्क पर जब कॉल करेंगे तो वहाँ पर 6 पैसे प्रति मिनट, आपको 6 पैसे प्रति मिनट यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, यानी 6 पैसे प्रति मिनट आपको देना पड़ेगा और वो भी होगा IUC चार्ज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप 149 से जो 159 कर दिए गए उसका कारण 10 रुपये जो बढ़ाया गया है, उसका कारण ये है कि 10 रुपये में आपको 124 मिनट दे दिए जाएंगे, तो ये 124 मिनट आप अदर नेटवर्क पर बात कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपका जब 124 मिनट समाप्त हो जाता है, मान लीजिए आपने 2 दिन 3 दिन में या 1 हफ्ते में बात कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर से 10 रुपये का दूसरा पैक या दूसरा रिचार्ज कराएंगे तो फिर से आपको 124 मिनट आपको मिल जाएंगे, या आप चाहें 10 के बजाय 20, 50, 100, 500, 1000 रुपये भी यहां डला सकते हैं, जो कि आपके अदर नेटवर्क पर यानी जियो से अदर नेटवर्क पर बात करने में काम आएगा, जो कि 6 पैसे प्रति मिनट के दर से चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों ये है जियो का नया अपडेट।